गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो अगेन एक मामा आर्थ के प्रोडक्ट का रिव्यू है, ठीक है, कि वो यूज़ करने में मुझे कैसा लगा और आप लोगों को अपने लिए वो बाय करना है या नहीं। आई एम श्योर आप ये रिव्यू देख कर समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं मामा अर्थ के रोज़ बॉडी लोशन विद रोज़ वाटर एंड मिल्क, इस वाले का मैं रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। इनके और भी जो है बॉडी लोशन आते हैं, बट अभी वो सब मैंने ट्राई नहीं करे हैं। तो अगर आगे चल के मैं उन्हें ट्राई करूँगी तो उनका रिव्यू भी आपके साथ जल्दी शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो ये वाला जो है बॉडी लोशन, ये फॉर डीप हाइड्रेशन के लिए है, ऐसा इन्होंने इसमें क्लेम कर रखा है, ठीक है। मामा अर्थ के बाकी सारे प्रोडक्ट की तरह ही ये भी, इसमें भी जो है वो मिनरल ऑयल नहीं है, सिलिकन नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये, और ये वाला जो है वो खाली ऑयली स्किन के लिए, ऐसा इन्होंने इसमें मेंशन कर रखा है, ठीक है। और लेकिन जब मैंने इसको यूज़ करा ना, मेरी नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन की तरफ समझ सकते हो हैंग्स वगैरह की, तो ये वाले जब मैंने यूज़ करा तो मुझे भी ये यूज़ करने में अच्छा लगा। अभी जबकि मैं इसको समर्स में यूज़ कर रही हूँ तब भी ये मुझे अच्छा लग रहा है। विंटर्स का विंटर्स में अगर मैं यूज़ करूँगी तो आई थिंक तब भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर कोई बॉडी लोशन आपको अगर समर्स में सूट कर रहा है, ठीक लग रहा है, तो डेफिनेटली अगर वो हाइड्रेटिंग है, अगर हाइड्रेशन के लिए है, तो डेफिनेटली आपको वो विंटर्स में भी जो है वो सूट करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो मेरे पास, ये वाला जो इनका पैक है, ये है 400 ml का ये वाला पैक है, ठीक है। और ये इन्होंने इसमें क्लेम कर रखा है कि ये इंटेंस हाइड्रेशन देगा आपको, नॉन ग्रीजी फॉर्मूला, हाँ नॉन ग्रीजी फॉर्मूला है, बहुत चिपचिपा चिपचिपा सा नहीं लगता है, एकदम से जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और इन्होंने लिख रखा है कि विद नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे जो ये वाला इनका है प्रॉपर, ये वाला रोज़ वाला, ये वाला मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से जो है वो ये ऑर्गेनिक इन्होंने बनाया है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक है। बिकॉज़ जब इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट जब आप चेक करोगे ना, तो उसमें इन्होंने दे रखा है कि सिटाइल अल्कोहल भी इन्होंने यूज़ करा है, स्टेरिक एसिड भी यूज़ करा है, सिट्रल अल्कोहल भी यूज़ करा है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है वो मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह से जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है, पूरी तरह से ये नेचुरल नहीं है, ऐसा मुझे फील हुआ, ठीक है। मैं मामा अर्थ के ब्रांड के बाकी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रही, ठीक है। इनके जो बाकी लोशन हैं, एक ओप्टन वाला है, कॉफ़ी वाला है, और विटामिन सी वाला है, और एक ये वाला है रोज़ वाला, ठीक है। तो इन मैं उन बाकी उन सारे लोशन के बारे में बात नहीं कर रही, पर मैं प्रॉपरली जो है वो इस रोज़ वाले के बारे में ही बात कर रही हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट में ऐसा इन्होंने मेंशन कर रखा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद ये पूरी तरह से जो है ये वाला बॉडी लोशन जो है वो ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। बट एक प्रोडक्ट की वजह से सारे, एक ही ब्रांड के सारे प्रोडक्ट को जज कर लेना भी ठीक नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर प्रोडक्ट जो है वो ख़राब भी हो सकता है एक ही ब्रांड का, और दूसरा प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है बहुत, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अपने चारकोल वाले बॉडी वॉश का जो है वो रिव्यू आपके साथ शेयर किया था, आप वो ज़रूर देखना, अगर आप भी आपने वो नहीं देखा है तो। उसका रिजल्ट भी मुझे सोसो ही लगा था, लेकिन उनके कुछ और जो प्रोडक्ट हैं वो मुझे अच्छे लगे थे, बट ये वाला जो प्रोडक्ट है अच्छा लगा, यूज़ करने में मुझे ये अच्छा लगा। मेन पॉइंट ये है कि यूज़ करने में ये मुझे अच्छा लगा, बट ऑर्गेनिक मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से ये वाला जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है, ठीक है। जबकि इन्होंने इसमें मिल्क पाउडर का भी यूज़ करा है, एलर्जी फ्री फ्रेगनेंस का भी यूज़ करा है, शिया बटर का भी यूज़ करा है, ऑलिव ऑयल का भी यूज़ करा है इन्होंने इसमें, और ग्लिसरीन का भी यूज़ करा है, रोज़ पेटल एक्सट्रैक्ट का भी यूज़ करा है, रोज़ वाटर का भी यूज़ करा है इन्होंने, सोडियम बेंजोएट का यूज़ करा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करा है, पोटेशियम सॉर्बेट का यूज़ करा है इन्होंने, काफ़ी सारे जो है इन्ग्रीडियंट लिए हैं। ओवरऑल जो है ये यूज़ करने में मुझे अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसका रिव्यू भी कर रही हूँ, बिकॉज़ यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा बॉडी लोशन है ये, ठीक है। लगाने के बाद आपको एक अच्छा सा रिफ्रेशिंग फील होता है, और मेन जो है वो इसकी फ्रेगनेंस है, रोज़ की फ्रेगनेंस किसे नहीं पसंद होती है, बहुत ही अच्छी लगती है, सभी को बहुत अच्छी लगती है। तो ये वाला जो लोशन है इनका, इसमें रोज़ वाली फ्रेगनेंस आती है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसकी फ्रेगनेंस, ठीक है। तो फ्रेगनेंस की वजह से कुछ ज़्यादा ही इसे मैं यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी, और जो इसका टेक्स्चर है वो लोशन वाला ही है, कोई खास नहीं है, जैसे लोशन का टेक्स्चर होता है वैसा ही है। मैं आपको उसको लगा के दिखा दे रही हूँ, बहुत जल्दी से जो है वो ये स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, और चिपचिपा चिपचिपा बिल्कुल भी इसमें नहीं लगता है, ठीक है। ये देखिए, एकदम अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है, बट 24 आवर्स तो हाइड्रेशन नहीं दे पाएगा, बट आई थिंक कि
सेवन एट आवर्स तक ईजली आपको जो है ये हाइड्रेशन प्रोवाइड कराएगा आपके स्किन को, ठीक है। तो ये हो गया। एंड जो ये वाली बॉटल है ना, ये 400 ml की है, तो ये मुझे मिली है 399 की, इसकी MRP है, ठीक है। कभी कभी आपको ममार्थ के प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी अच्छे अच्छे डिस्काउंट पे भी मिल जाते हैं, और कभी कभी आपको MRP पे भी लेने पड़ते हैं, बट ज़्यादातर जो है वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट जो है वो मिल ही जाता है। तो ये 399 की है, मैं इसका बाय लिंक आपको दे दूँगी, आप देख लीजिएगा कि करेंटली जो है वो क्या रेट चल रहा है। और जो इसकी लाइफ है वो आप 2 ईयर्स तक इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो, 2 ईयर्स तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। और मेड इन इंडिया तो है ही ये वाला ब्रांड, आप में से जिसको भी मेड इन इंडिया चीज़ें पसंद आती हैं तो उनके लिए ये वाला ब्रांड जो है वो काफ़ी अच्छा है। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, जस्ट मैंने यूज़ करा, मुझे यूज़ करने में अच्छा लगा, तो मैंने इसका वो जो है आपके साथ रिव्यूज़ का शेयर कर दिया। थोड़ा सा पीच मिल्क जैसा इसका कलर है, जैसा लैक्मे का पीच मिल्क होता है ना, थोड़ा थोड़ा वैसा ही जो है वो इसका कलर है। और फ्रेगनेंस रोज़ वाली है, एकदम अच्छी सी फ्रेगनेंस है इसकी, फ्रेगनेंस के मामले में बहुत अच्छा है। और हाइड्रेशन जो इन्होंने इसमें क्लेम करा है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इन्होंने इसमें क्लेम कर रखा है कि खाली ऑयली स्किन वालों के लिए है, बट मेरी नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हो, तो उस वाली स्किन को भी ये सूट करा है। आई थिंक ये ड्राई स्किन को भी ये समर्स में तो काम दे देगा, बट अगर आपकी सुपर ड्राई स्किन है तो आई थिंक विंटर्स में शायद ये उतने अच्छे से काम ना कर पाए। बट जब भी आप इसे यूज़ करो अपना पेस्ट टेस्ट ज़रूर कर लेना, ये या कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करते हो एक बार पेस्ट टेस्ट ज़रूर कर लेना, क्योंकि हर किसी की स्किन जो है वो अलग होती है, तो हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे इसके रिजल्ट्स आपको देखने मिल जाए। तो आप एक बार ज़रूर पेस्ट टेस्ट करना, उसके बाद ही इसे यूज़ करना। विंटर्स में भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, समर्स में भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये वाला जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसकी फ्रेगनेंस की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, यूज़ करने में बहुत ही अच्छा लगता है इसको यूज़ करके, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। आई थिंक कि मैंने इसके बारे में आपको सभी कुछ बता दिया है, पर अगर फिर भी कुछ रह गया, कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर दूँगी। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन भी ज़रूर हिट कर दो जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट्स जरूर करना, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।